दोस्तों, क्या आप लोग भी पिक्सल लैब में कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करके अपने मनचाहे फॉन्ट लगाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप पिक्सल लैब में अपने मनचाहे फॉन्ट होते हैं, जो डिज़ाइन होती है, वो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम ले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, जैसे ही आप लोग गूगल फॉन्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आती है दोस्तों, आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप लोग जो फॉन्ट की डाउनलोड करने की जो मतलब वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना है ताकि आपको एक अच्छा व्यू देखने को मिल सके। तो यहाँ पर आती दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश के फॉन्ट डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ पर लैटिन सेलेक्ट करेंगे। कहाँ पर, लैंग्वेज में जाके यहाँ पर आप लोग लैटिन सेलेक्ट करेंगे। लैटिन समझते हैं, LATIN यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके सामने सारे इंग्लिश के फॉन्ट अच्छे अच्छे आ जाएंगे। तो ये एक हमारा ऐसे ही आ गया, कुछ उल्टा सीधा। तो मान लेते हैं हमें कोई अच्छा सा फॉन्ट लगाना है, तो यहाँ पर हम कोई भी एक फॉन्ट उठा लेते हैं। लाइक हमें ये वाला फॉन्ट लगाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको डाउनलोड फैमिली का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग ये फॉन्ट डाउनलोड करेंगे, आपका फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड में जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ से इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर फोल्डर पूछा जाएगा कि आप किस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप कोई भी, जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया ऑडियो बुक, तो यहाँ पर हमारे सारे फॉन्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्टिंग चालू हो गया, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फिनिश हो गया। तो हमारे सामने ये चार फॉन्ट आ चुके हैं दोस्तों। अब हमें करना है कि आपको जाना है सिंपल से पिक्सल लैब ऐप के अंदर। पिक्सल लैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी, जैसे मतलब इस पर क्लिक कर देते हैं फॉन्ट पे, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे। ठीक है, जहाँ से हम फॉन्ट अपने सेलेक्ट करते हैं, ये रहा फॉन्ट। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे बाई फॉन्ट पे जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपका कोई भी फॉन्ट नहीं होगा। अब दोस्तों, आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे टी वाले पे। ठीक है, क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट फाइल कर चुके हैं तो हमें कुछ भी करने जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे टी पे प्लस करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे करके हम क्या करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। पोको M3 पहले सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर आपके सारे फोल्डर आ जाएंगे। ठीक है, फोल्डर आ जाने के बाद दोस्तों, हमने किस में सेव किया आपको याद ही होगा, ऑडियो बुक में करा था ना, तो ऑडियो बुक में चले जाएंगे। उसके बाद रोबोटा स्लैब में चले जाएंगे, यही हमारे फोल्डर है। अब यहाँ पे हमारे ये फॉन्ट आ चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर लेना है ऐसे करके, तो हमारा ये फॉन्ट आ चुका है, समझ गए। ऐसे अगर हम फोल्डर क्लिक करेंगे तो फोल्डर पर क्लिक करके ऑडियो बुक में जाएंगे, और ऑडियो बुक ये रहा। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐड डायरेक्टिव पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये पहले से ही ऐड है, तो आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल में फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पे प्लस करके अपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका फॉन्ट आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं आगे की न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।